देखा जा रहा है, मुंबई में देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है आशीर्वाद से। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न भूगः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिह्वामा नमः सौरचक्षसो विश्वे भद्रं पश्येमा छभिर्जयत्राः स्थिरैरं जयतुष्टभागुं स्वस्तनं भिर्वसेमहि देवहितं जनायुः। जिस प्रकार तन मन धन यही बैठे बैठे समर्पण करिए एकदम संपूर्ण। एक रोज हम एक बैठक करेंगे जी, खुद ही बता दिया। हमने भी बहुत कार्यक्रम किए, उत्साहित थे, इतने उत्साहित थे, बहुत वाजिब। जब तक बोलते हैं तब तक उताली ही बजाते हैं। अब आपसे राज ठाकरे का ये सब हो जाएगा, नाम है नाम जो हो आप ऊपर कामयाबी में लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो दूसरा वाला विषय उसको छोड़िए, बहुत बड़ा मुद्दा। आप लोग संख्या में हम अकेले उनको अपने धर्म में ला सकते हैं, हजारों हमारे पास जी, लेकिन फिर रोटी बेटी सवाल फिर उठेगा, तो रोटी वाला तो समाप्त हो जाएगा, अब युग बदल गया, लेकिन बेटी वाला नहीं, तो इसलिए चलो। हम यहाँ पले हैं, बढ़े हैं, बचपन बीता है, वही स्नेह है, वही श्रद्धा है, और मैं तो अपने बाल बच्चों से बोलता हूँ कि अयोध्या मत छोड़ना, अयोध्या मत छोड़ना। हम अयोध्या के रक्षक हैं, वहाँ उत्तर दिशा में फाटक पर बैठे हैं, अयोध्या हम लोगों की है, हम वहाँ पहरेदार हैं, आवाज हम निकले हैं। संत महात्माओं से आज मिलेंगे, कल पूरा दिन मिलेंगे, फिर एक रोज़ 100-200 लोगों का बैठ करके सामूहिक आशीर्वाद लेंगे। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो उत्तर भारतीयों से नहीं माफ़ी मांग पाता, शर्म लगती है, तो संतों से मांग लो, ये संत क्षमा कर देंगे, देश क्षमा कर देगा। अगर अयोध्या के संत या देश के संत उसको क्षमा कर देंगे कि उसको आने दो, उसने संतों से माफ़ी मांग लिया है, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना अहंकार है, इतना अहंकार है, तो हमारे कटे घाव पर नमक छिड़कने आ रहे हो, राम के वंशजों को पीटने का काम किया और दो शब्द क्षमा के बोलने के बजाय नमक छिड़कने के लिए आ रहे हो, तो आने नहीं दिया जाएगा। इतने प्रतिष्ठित मौलाना थे, सब हमारे घर पर आकर के और बयान दिए हैं। आप अपने हाशमी, क्या नाम है इनका, बयान देख लीजिए, इकबाल अंसारी जी का बयान देख लीजिए। ये आंदोलन किसी दल का नहीं है। आज तक देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं इधर 50-60-70 वर्ष में, या तो सत्ता पाने के लिए हुए हैं और या तो सत्ता को हटाने के लिए हुए हैं। ये पहला आंदोलन है जो न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता हटाने के लिए है, सिर्फ अत्याचार के विरोध में है और सिर्फ स्वाभिमान के लिए है। सिर्फ चाह नहीं मैसूर वाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, पहला आंदोलन है। अरे वो बोल गए होंगे, पान वान खाए रहे होंगे, छोड़ो। दो लाइन की बात है, माफ़ी मांगो आओ, और तीसरी बात यह है कि माफ़ी नहीं मांगोगे तो आ नहीं पाओगे, और चौथी बात यह है, एक अवसर है राज ठाकरे के लिए कि वो माफ़ी मांग लें। अगर इस अवसर से वो चूक गए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, वो जीवन में कभी ना ही आ पाएंगे। हम तो समझते हैं ये आंदोलन उनके लिए एक अवसर बन करके